रहते हैं मधु। आपने कहा था अगर खिंजा से मेरी शादी हो गई तो शान से अपने लिए पक्की समझो। क्या तुम मेरी बराबरी करना चाहते हो? नहीं नहीं सर, मैं तो शानजे से शादी करना चाहता हूँ, आपकी साली से। मैंने जमाल से शादी अपनी मरती हुई माँ की पुरसकून नींद के लिए की थी। मुझे ना तो उससे मोहब्बत है ना होगी, और ना ही कभी मुझे उसने एहसास होने दिया कि वो मेरा शौहर है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल तो नहीं हो गई तुम? पागल हो गई थी, पागल हो गई थी, अब होश आया है मुझे, इसीलिए तो तुमसे तलाक मांग रही हूँ। मैं इस पर कोई साइन नहीं करूंगा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जब बीनश नहीं रही तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? देखो तुम लोग तो मुझे छोड़कर ना जाओ ना। भाई साहब हम जरूर यहाँ रहते लेकिन अब यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं। वो मतलबी औरत थी, उसने धोखा दिया मुझे। धोखा उसने नहीं, धोखा तुमने दिया है जमाल। मैंने क्या धोखा दिया उसे? मैं शौहर था उसका, अपना नाम दिया मैंने उसे। बस औरत को शौहर से क्या सिर्फ नाम की जरूरत होती है? आज के दौर में औरत को नाम भी मिल जाए तो काफी है। तुम जैसे घटिया मर्द औरत को अपनी जरूरत के तहत इस्तेमाल करके एक टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते। बीवी को मुलाजमा और औरत को पांव की जूती समझने वालों का यही हाल होता है जो इस वक्त तुम्हारा हो रहा है। इन दरों दीवार के साथ तुम अकेले खड़े हो, देखो अपनी शक्ल पर, इससे ज्यादा लाचारी मैंने आज तक नहीं देखी। चलो अरे जाओ, सब जाओ, रह लूंगा अकेला मैं, जाओ जाओ सब जाओ। इतनी खूबसूरत छली तो क्या कोई भी तुमसे आसानी से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तुम्हारे होते हुए नींद आ सकती है क्या? क्यों, मैं कोई नींद भगाने की दवा हूं? अरे नहीं, तुम तो दुआ हो, इसलिए तो कब से मांग रहा हूं। हम दोनों काम कर लेंगे, जितने पैसे भी होंगे
उसमें हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन तुम कुछ गलत मत करना। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? हाँ, इसलिए कहा था जब भी आओ लंबा हाथ मारकर, ताकि आर या पार। हम तो फांसी के उम्मीदवार हैं और तू उम्र कैद का पंछी। रोज जिएगा, रोज मरेगा, हर रोज अपने प्यारों को याद करेगा, सोएगा नहीं, रोएगा। क्या जिंदगी है तुम्हारी। या अल्लाह, तो हमारी कोताहियों और लगजशों को माफ़ फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, तू हमें राह रास्त दिखा। तू गफूर है, तू रहीम है, तू करीम है, हम तो खताकार हैं। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, तू मेरी औलाद को भी राह रास्त दिखा। जिस तरह तूने मुझ गुनाहगार पर कर्म किया, उसी तरह मेरी बच्चियों पर भी कर्म कर, उनको भी राह रास्त दिखा। या अल्लाह, मेरी औलाद को नेक और साले बना दे, इन्हें फर्मा बरदार बना दे। आमीन।
सुम्मा आमीन। शरीफों के हाँ ये वक्त घर में दाखिल होने का नहीं होता। डैडी, अपने घर में दाखिल होने के लिए कोई वक्त नहीं होता। तुम एक लड़की हो, इस घर की इज्जत हो। इस घर में आने के लिए तुम्हें अपने औकात मुकर्रर करना होंगे। डैडी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैच्योर हूँ, मैं अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुम मेरा बुरा कर रही हो। क्यों, क्या बिगाड़ा मैंने आपका? अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, जीने दे मुझे। जंजीरों में क्यों जकड़ना चाहते हैं आप? जो जिंदगी तुम जीना चाहती हो वो जिंदगी है नहीं, वो अजाब है, अजाब। खुदा के लिए डैडी, खुदा के लिए, मैं इस वक्त आपका लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूं। आपने अपना वक्त तो जैसे तैसे गुजार लिया, अब हमारा वक्त आया तो आपको बुरा लगने लगा है। यह उसी में दया सोरे भी नहीं देते। अच्छा, अब तुम मुझ पर तंस करने लगी हो। मुझे बताओगी कि मैं अच्छा आदमी नहीं था, हैं? अगर मैं तुम्हें रोकता टोकता नहीं हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या हो गया है डैडी? इस वक्त सारी दुनिया सो रही है और आपकी आवाजें। सोने के टाइम घर में आने का कौन सा वक्त है? बोलो, पूछो इससे। ओके ओके डैडी, मैं इसे खुद समझा देती हूँ। आप अपने कमरे में चले जाएं, जाके सो जाएं प्लीज। जाइए प्लीज। जा रहा हूं। गोशी, 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 क्या हुआ? गोशी, ये तुमने, गोशी, ये क्या हुआ? कोई है? देखो गोशी ने क्या कर लिया? कोई है? जल्दी आओ, जल्दी आओ! गोशी, ये सब क्या हो गया? Thank you.
रह रहे कामरान, जूता तो चमक गया, किस्मत कब चमकेगी? लगता है दूध वाला आ गया। बर्तन हटाओ, पैसे लाओ पैसे। यार वो मुझे बस एक दो दिन दे दो, तनख्वाह मिलने पर तुम्हारे सारे हिसाब क्लियर कर दूंगा। ये आसरे पुराने हो गए हैं कमरान साहब, पैसे दो पैसे वरना दूध नहीं मिलेगा। अरे यार, अरे बात तो सुनो। पहली तनख्वाह किस किस को बांटूंगा समझ नहीं आ रहा। लगता है दूध वाले को मुझ पर रहम आ गया। अब्बा ने मकान का किराया लेने के लिए भेजा है। किराया? यार अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, दो दिन बाकी है। अब्बा ने कहा किराया ना मिले तो वहीं बैठ जाना, मैं खुद आकर वसूल कर लूंगा। बेटा यहाँ बैठने की क्या जरूरत है, अब्बा को परेशान मत हो, मैं किराया खुद लेकर आ जाऊंगा। ऐसे नहीं जाने वाला खाली यार, वरना अब्बा तारे दिखा देंगे। बेटा खुद तारे देखने से डरते हो, कुछ मेरे तारों के भी बारे में समझो ना। नहीं भाई नहीं। अच्छा तुम जाओ, शाबाश, मैं किराया लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, शाबाश। लगता है सबने मेरा घर देख लिया। ऑफिस क्यों घंटा लेट हो गया, ऊपर से वो मालिक बदमिजाज, खामखा की किलकिल करेगा। शिट, अम्मा को फोन करना था। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है बेटे तू? मैं ठीक हूँ अम्मा, आप सुनाएं। अरे अपनी क्या सुनाओ, बस तेरी तरफ ध्यान लगा रहता है। तेरी शादी हो जाए तो मुझे सुकून मिले। अम्मा शादी मेरी होगी और सुख का सांस आप कैसे लेंगी? अरे पगले, तेरी शादी हो जाएगी तो अकेलापन खत्म हो जाएगा मेरा। नहीं अम्मा, नई नई नौकरी पे कौन अपनी लड़की देगा? अच्छा ये तेरा मसला नहीं है, वो फातिमा बता रही थी कि उसने कोई लड़की देखी है, पर्दादार है, रोजे नमाज की पाबंद है वो, मैं तो उसी को बहू बनाऊंगी बस। लेकिन अम्मा मैं तो शहर में। मुझसे शहर की बात बिल्कुल मत कर, तुझे मालूम है कि मुझे वहां की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने तुझे वहां इसलिए नहीं भेजा कि तू वहां की लड़कियां पसंद करता फिरे, तेरी शादी होगी तो यही होगी, समझा तू? अच्छा फिर आप इस तरह करें कि उसको ब्यूटी पार्लर भिजवाएं, मैं ऑफिस से होकर आता हूं। पागल कहीं का। Yes, come in. सर आपने बुलवाया था? आओ। जी सर। रौफ क्या हुआ मेरे काम का? सर आप तो मुझे मरवाएंगे, मैडम दो मरतबा पूछ चुकी हैं उस चेक के बारे में और मैं बात को गोल करता रहा हूँ। कुछ नहीं होता यार, मैं तुम्हारी मैडम का शौहर हूँ, कोई मुलाजिम नहीं जो नौकरी से निकाल देगी मुझे। सर आप तो बच जाएंगे, मेरी इज्जत भी जाएगी और नौकरी भी। डरने की जरूरत नहीं है रऊफ, डोंट वरी। वैसे भी किंजा के पास इतना काम होता है कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब चेक कैश हो गया। और तुमने कल से अब तक इस बात को डिस्कस करना भी जरूरी नहीं समझा। सर जी देख लिया आपने मैडम का मूड, कम अज कम आज तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं उनके कमरे में। ओके ऑलराइट, कोई मसला नहीं, लेकिन कल मैडम के आने से पहले
ये काम जरूर हो जाना चाहिए। ठीक है सर, मगर वो एक मिनट। हेलो सर, एक मिनट होल्ड करना, तुम जाओ रोफ, मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ हो यार, मैं इतनी देर से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। कहाँ यार, मेरे ऑफिस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भाई, मैं तुम्हें शाम को खुद पिक करता हूँ। ऑलराइट बाय। मैंने उससे किराया मांगा तो कहता है तेरे अब्बा को दो दिन तक खुद ही दे दूंगा, कह देना अपने अब्बा को आ रहा है।